हाय फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट और डिजाइनर रेसिपीज वाले हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स विद लता खन्ना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लजीज चाय की रेसिपी लेकर आए हैं। हमारी ये गारंटी है कि इस चाय को पीने के बाद आप चाय कभी रसगुल्ले के बिना नहीं पिएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, आज हम आपके लिए रसगुल्ला चाय की रेसिपी लेकर आए हैं। ये चाय पीने में तो बहुत टेस्टी लगती ही है, इसे बनाने का प्रोसेस भी बिल्कुल अनोखा है, जिसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस रसगुल्ला चाय को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है। हम आज यहाँ पर 4 कप रसगुल्ला चाय बना रहे हैं, इसलिए हमने पैन में 4 टीस्पून चीनी डाल दी है। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे लो कर देंगे। अब हम लो फ्लेम पर इस चीनी को कैरेमलाइज करेंगे, यानी हमें लो फ्लेम पर इस चीनी को पिघलाना है। हम इसे कलर बदलने तक पकाएंगे। इस प्रोसेस में हमें चीनी में एक भी बूंद पानी की नहीं डालनी है। देखिए, चीनी पिघलना शुरू हो गई है और फाइनली पैन में डाली हुई हमारी चीनी पिघल चुकी है, इसका कलर भी बदलने लग गया है। अब हम गैस पर से पैन को थोड़ा सा उठा लेंगे और इसे स्प्रेचुला से चला देंगे। हमारी पैन में डाली हुई चीनी बहुत अच्छी कैरेमलाइज हो चुकी है। पैन की चीनी को कैरेमलाइज करने के बाद अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। हम यहाँ पर 4 कप चाय बना रहे हैं, इसलिए हम 2 कप पानी का प्रयोग करेंगे। पैन में 2 कप पानी डालने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे। पैन में पानी डालने के बाद कैरामलाइज करी हुई चीनी टॉफी की तरह जम जाएगी, लेकिन इसके बाद तेज फ्लेम पर जब इसमें उबाल आ जाएगा तो यह चीनी पिघल जाएगी। पानी में उबाल आ रहा है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी हरी इलायची से ढेर सारा इलायची पाउडर बनाने की रेसिपी का वीडियो हमारे चैनल पेज पर पड़ा हुआ है, आप इसे देखें और लाभ उठाएं। इसके बाद अब हम पैन में 4 टी बैग्स डाल देंगे। पैन में टी बैग्स डालने के बाद हम टी बैग्स की डोरी को पैन के हैंडल में फंसा देंगे और इसके बाद 2 मिनट तक हम चाय को पकने देंगे, ताकि चाय में कलर बहुत अच्छा आ जाए। इसके बाद हम पैन में 2 कप दूध डाल देंगे। 4 कप चाय बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप पानी और 2 कप दूध का प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। देखिए, हमारी चाय में उबाल आने लग गया है। हमारी चाय 2 मिनट में ही उबल कर तैयार हो गई है। अब हम इस चाय का कलर चेक करेंगे। हमारी चाय में कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, इसका मतलब है हमारी चाय अब तैयार हो चुकी है। अब हम पैन से इन टी बैग्स को हटा देंगे। 4 कप रसगुल्ला चाय बनाने के लिए हमने 4 रसगुल्ले लिए हैं। अब हम इन रसगुल्लों को निचोड़ कर इनका रसा बिल्कुल निकाल देंगे। देखिए, हमने रसगुल्ले को निचोड़ कर इसका रसा पूरी तरह से निकाल दिया है, ताकि चाय में डालने के बाद ये चाय को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और ये चाय वाला रसगुल्ला बन जाए। देखिए, चाशनी निकाल निकाल कर हम रसगुल्लों को चाय के पैन में डालते जा रहे हैं, और देखिए, रसगुल्लों को चाय में डालते ही ये चाय को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गोलगप्पे की तरह फूल जाते हैं। हमने 4 रसगुल्ले बहुत अच्छे से निचोड़ कर चाय के पैन में डाल दिए हैं। इन्होंने चाय को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लिया है। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। जब तक चाय में उबाल आ रहा है, तब तक हम इस पर मेवे की गार्निशिंग कर रहे हैं। हम इन रसगुल्लों के ऊपर कटा हुआ काजू, बादाम, पिस्ता और केसर डाल रहे हैं, क्योंकि शाही चाय को शाही तरह से ही पेश किया जाना चाहिए। देखिए, हमारी चाय में उबाल आ चुका है। अब हम कलछी से एक रसगुल्ला निकाल कर चाय के कप में डाल देंगे। हमने एक रसगुल्ले को पैन से निकाल कर चाय के कप में डाल दिया है। इसी तरह से हम 4 रसगुल्ले निकाल कर चाय के कप में डाल देंगे। 4 रसगुल्लों को चाय के कप में शिफ्ट करने के बाद अब हम पैन की चाय को चाय के कप में डाल देंगे। देखिए, हमने पैन में तैयार चाय को 4 कप में शिफ्ट कर दिया है और फाइनली हमारी रसगुल्ला चाय बनकर अब तैयार हो चुकी है। अब एक बार फिर से हम इस पर ऊपर से मेवे की गार्निशिंग करेंगे। हमने सभी रसगुल्लों के ऊपर कटा हुआ काजू, बादाम, पिस्ता, केसर डाल दिया है। हमारी बहुत ही सुंदर और टेस्टी शाही चाय बनकर अब तैयार हो चुकी है। हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस चाय को बनाकर जरूर देखिएगा। अगर आपने इस रसगुल्ला चाय को एक बार अपने घर में बना लिया, तो आप चाय को कभी भी बिना रसगुल्ले के नहीं पियेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी हमारे द्वारा बताई गई विधि से रसगुल्ला चाय को घर में बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसी लगी। हमें आपके मूल सुझाव और कमेंट्स का इंतजार रहता है। फ्रेंड्स, यदि आपको रसगुल्ला चाय बनाने की रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।